जी, जो आज मैम चौबीसी का ऐतिहासिक चबूतरे पे जो फैसला लिया गया है, ये इससे आप कितना संतुष्ट हो और क्या इम्पैक्ट करेगा सरकार पे ये? देखिए, मेरी एक ही बात कहना है, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने फैसला लिया है वो अच्छा फैसला लिया है और हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, और जो भी ये फैसला है हम इसको धरातल पे निभाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे और अपने आप को पूरा साबित करने की कोशिश करेंगे। जो डागर का जो मामला था, संदीप सिंह का जो उस पर यौन शोषण का मामला था, उसको इतनी तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन ये या क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है दोनों केस में? क्योंकि आपने उसमें बहुत मुखर होकर आपने उसकी लड़ाई लड़ी थी, हमने देखा था वीडियो आपकी बहुत वायरल हुई थी, आपको भी वहाँ बेइज्जत किया गया था, आपको घिसराया गया था पुलिस प्रशासन द्वारा। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी तरीके की भेदभावना हो रही है, और ऐसा कुछ नहीं है। हमारी खाप पे वहाँ भी खड़ी थी, चाहे मेरी जींद की पंचायत हो, कैथल की पंचायत हो, नारनंद की पंचायत हो, पूरी तरीके से खापों ने साथ दिया था और साथ एकजुट होके खड़ी हुई थी खापें, और खापों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और आज उन खापों के भाग लेने का और उन्हीं का नतीजा है कि आज संदीप सिंह नार्को टेस्ट के लिए मना कर चुका है, ये हमारी जीत है। लेकिन नार्को टेस्ट का जो फैसला तो यहाँ पे भी लिया गया, और इससे पहले भी ये पहलवानों ने बोला था कि नार्को टेस्ट करवाया जाए, हमारा भी उनका भी, तो पंचायत ने भी यही फैसला लिया और इससे पहले भी ये फैसला था, तो दोनों में मतलब प्रभाव क्या डालेगा? भाई, मांग तो पहले से थी। ये प्रभाव ये डालेगा, एक अकेला आदमी बोलता और एक आज यहाँ समाज के हर कोई गणमान्य लोग बैठे थे, जब गणमान्य लोग ये बात कह रहे हैं तो उसमें कोई तथ्यता या कोई उसमें गंभीर बात है तभी तो कह रहे हैं। अब महिलाओं को हक में ही दे दिया गया कि इस जो नई संसद है वहाँ पर महिलाएं अपने पहलवानों के साथ पंचायत करेगी, जो फैसला लेगी हम उसका जो हमारे आदमी पाछा खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग पाछा खड़े हैं, महिला आगे होकर लड़ेंगी, इससे ज़्यादा बड़ी क्या अगवानी हो सकती है? या महिलाओं को मैदान दे दिया लड़ने के लिए, अब वो लड़े अपनी लड़ाई। क्योंकि हरियाणा को इस बात से भी टैग किया गया था कि महिलाओं को जो हरियाणा में दबा के रखा जाता है, तमाचा शायद मारा गया उन लोगों के ऊपर, आप सहमति देते इस बात को? भाई, मैं तो कभी नहीं दबा के रखी गई, मैंने हमेशा अपनी बात बहुत पुरजोर तरीके से हमेशा रखी और हमेशा मेरे बड़े बुजुर्गों ने मेरा साथ दिया है और मुझे हमेशा बहुत अच्छे से इन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है जी, तो ये थे हमारे साथ सोनिया दुहन जी। मैं इनका जो परिचय बता दूं, जो महिला डागर जो हमारी कोच थी, जो संदीप सिंह था, उसने उनका जो यौन शोषण का आरोप उन पर लगाया था, तो तिरंगा झंडा जब वो फहरा रहे था संदीप सिंह, तो उसका विरोध किया था डागर के हक में आकर सोनिया दुहन ने, और उनके साथ भी पुलिस, हरियाणा पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई थी। वो वीडियो है, वो विजुअल है, वो बहुत वायरल हुए थे, हमने भी देखे, शायद आपने भी देखे हो। तो सोनिया दुहन जी की इन बातों पे आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और जो पंचायत का फैसला है उस पर अपनी राय जरूर रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।